हेलो स्टूडेंट, मैं दिपिन कटियार यूनिलन ऑनलाइन लाइव क्लासेस की ओर से यहाँ पे आपको एक फिजिक्स 11th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। एक ऐसा टॉपिक जो जनरली जब 11th क्लास में कोई स्टूडेंट आता है 10th क्लास से, उसको समझने बहुत मुश्किल होता है। उसके लॉजिकल मीनिंग को भी, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने को भी और उसको अप्लाई करने को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, और जो हमारे फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रूप में क्या होता है, यूज होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यू कैन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले दो टर्म से देखेंगे, एक तो एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन दो टर्म को हम ओरिजिनेट करके कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बहुत ही सही से क्लियर हो जाए। प्लस ये वीडियो 11th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कोई बच्चा अगर नीट जेई मेन्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक बेसिक आप कह सकते हैं एक वीडियो है जो आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में, राइट। तो देखिए, हम यहाँ पर टर्म डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है वेलोसिटी, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम भी, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसके अंदर और चीजों को इंक्लूड करते रहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल वेलोसिटी की, तो हम ये बोलते हैं कि सर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिवाइड बाय कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, किलोमीटर पर आर होता है, ये यूनिट रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम उस बॉडी की जो पोजीशन है उसमें चेंज फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज करें कि एक बॉडी है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और स्टार्टिंग में वो इस पोजिशन पे है, ए पोजिशन पे, राइट। यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है वो एक्स आई है, और यहां पर जो टाइम है वो टी वन है। अब कुछ टाइम बीत गया, बॉडी जो है वो कहां पहुंच गई, बी पर पहुंच गई। यहां पर जो पोजीशन है वो एक्स एफ हो गई और टाइम क्या हो गया, टी टू हो गया। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी और डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा ए से बी तक आने में, राइट। अब ए बी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एफ में से एक्स आई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, टी टू माइनस टी वन। तो हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा एक्स और इसको बोल सकते हैं हम डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी होगा चेंज इन टाइम। तो हम ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ओवर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली अगर वो वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट कैन बी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर वो सपोज करें कि वो एक साथ तीनों डायरेक्शन कवर कर रहा है एक्स वाई और जेड, सपोज करें कि वो यहां पर है ए पॉइंट पर और वो इधर चला गया है बी पॉइंट पर, ठीक है, एक्स में भी चेंज आ रहा है, वाई में भी चेंज आ रहा है और जेड में भी चेंज आ रहा है, तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ठीक है। ये डेल्टा आर जो होता है इसको हम
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जब हम वेक्टर टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम इस चीज को थोड़ा सा एक्ट करते हैं, छुपा देते हैं, अपने आप को इस चीज पे फोकस करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी के बारे में समझा, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं, राइट। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी टर्म क्यों पढ़ते हैं, देखिए होता यह है कि जब हमारे पास जर्नी बहुत बड़ी होती है, एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, तो वहां पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होती जाती है। कभी हम स्पीड को बढ़ाते भी हैं, कभी वेलोसिटी इंक्रीज भी करते हैं जब हाईवे आता है, कभी हमें ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं जब ट्रैफिक आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जब हम पूरी जर्नी की बात करते हैं तो वहां पे जो टर्म समझाई जाती है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि नेट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय कितने टाइम में हुआ। और नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, चेंज इन पोजीशन, कि पोजीशन में कितना चेंज आया डिवाइड बाय कितने टाइम में आया, दैट मींस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और यू कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। जैसे सपोज करें कि मैंने आपसे कहा कि मैं मेरठ से चला, ठीक है, मेरठ से मैं 12 o'clock चला और मैं दिल्ली जो है 3 o'clock पहुंच गया, ठीक है। मेरठ से दिल्ली तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 60 किलोमीटर है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा सर व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, मैं बोलूंगा कि लगभग 20 किलोमीटर पर आवर से मैं चला। तो दैट मींस 20 किलोमीटर पर आवर बोलने का मतलब यह है कि हमने उसके अंदर पूरी जर्नी को इंक्लूड कर दिया, पूरी जर्नी का एवरेज बता दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह 20 किलोमीटर पर आवर चला था, नहीं, इसका मतलब यह है कि हम और एन एवरेज अगर अपनी वेलोसिटी निकालेंगे पूरी जर्नी की तो वो 20 किलोमीटर पर आवर आएगी, राइट। अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें यहां समझना है, जिसके लिए हम बेसिकली आज यहां पर आए हैं, सब इस ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर इंक्लूड हुए हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, देखिए जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था कि सपोज करिए कि मैं मेरठ से चला 12 o'clock पे और मैं यहां पे दिल्ली पहुंच गया 3 o'clock, राइट। तो आप किसी किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आप कितनी स्पीड से गए होंगे, कितनी आपकी वेलोसिटी होगी, मैंने कहा लगभग 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो आप में से एक बच्चा बोला कि सर नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, मैंने आपको 1 बजे वहां पे देखा हुआ था कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आपकी वेलोसिटी 0 थी। अब जो उस स्टूडेंट ने मेरी वेलोसिटी बताई वो 1 बजे की बताई, ठीक 1 बजे की। दूसरा स्टूडेंट बोला कि नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने आपको देखा था कि आप 1:05 पे इतनी वेलोसिटी से जा रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे थे। तो उसने 1:05 की बताई। तो वो सब बच्चे जो वेलोसिटी बता रहे हैं, वो सब बच्चे वेलोसिटी जो बता रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जब हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी पता लगाते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट वर्ड जो है उस इंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है हिंदी में अचानक। अब इस अचानक वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये काम अचानक से हो गया, अचानक वर्ड में कितना टाइम आ रहा है, एक ऐसा टाइम आ रहा है जो बहुत छोटा, जितना छोटा आप सपोज कर सकते हैं उतना इस अचानक की जो डेफिनेशन है वो और अच्छी होती जाएगी, ठीक है, जितना आप उसे छोटा समझ सकते हैं उतनी अच्छी होती जाएगी।
जैसे हम क्या है, ये अचानक हो गया, वो कहेगा कि सर ये तो 1 सेकंड में हो गया, कोई कहेगा नहीं सर आधे सेकंड में हो गया, कोई कहेगा नहीं सर 0.0001 सेकंड में हो गया। तो जितना टाइम छोटा होता रहेगा उतनी इस अचानक, इस इंस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती रहेगी, क्लियर होती रहेगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एक ऐसी वेलोसिटी जो हम किसी बॉडी की पता लगाते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कि सर इस टाइम पे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, हमें पूरी जर्नी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस समय की वेलोसिटी चाहिए, 1:45:13 बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो वो जो हम पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आपको दे रहे हैं, एक छोटा सा टाइम गैप दे रहे हैं, उस छोटे से टाइम पे जो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, ऐसा हमने लिखा था, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, यहां एक लिमिट लग जाती है, एक बाउंडेशन लग जाती है, एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। किस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, डेल्टा टी पे, कि ये जो डेल्टा टी होगा ये डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जितना छोटा आप इसे मानेंगे उतना ये जो वर्ड इंस्टेंट है ये वर्ड और इंप्रूव होता रहेगा, अपनी डेफिनेशन को और अच्छा करता रहेगा। इसलिए हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे एक लिमिट लग जाएगी कि सर डेल्टा टी जो होगा बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि लगभग टेंड्स टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। डेल्टा टी की वैल्यू जितनी छोटी आप मान सकते हैं 0.00001 सेकेंड, कोई अगर इससे और छोटा जाएगा तो और अच्छी बात है, वो और अच्छी वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है। तो हम अगर इस पूरे को कंबाइन करके लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं v=dx/dt, ये जो डेल्टा एक्स मैंने ऊपर लिखा था इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, ये जो हमने डेल्टा टी लिखा था इसको हम बोलते हैं चेंज इन टाइम, अब ये जो हम डीएक्स लिख रहे हैं इसको बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, वेरी स्मॉल चेंज, और इस डीटी को बोलते हैं स्मॉल चेंज इन टाइम। डेल्टा टी का मतलब तो चेंज इन टाइम, लेकिन डीटी का मतलब ये होता है वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि सर वी कैन बी रिटन एज, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डीएक्स ओवर डीटी, ठीक है, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप ये देखिए कि एवरेज वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी एक्यूरेट आंसर दे रही है, सही आंसर दे रही है। हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ने का काम क्यों पड़ा, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो आपको बिल्कुल सही बात बताएगा। जैसे हमने अभी देखा था कि एक पर्सन 12 बजे से 3 बजे तक पहुंच गया, उसने कहा कि मेरी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो क्या वो सही बता रहा था, नहीं, 1 बजे तो वो रेस्ट पे था, 2 बजे उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसने तो कह दिया सर मेरी 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो तो गलत बता रहा था ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो आपको बिल्कुल सही बात बताएगा, हर इंस्टेंट पे आपको वो उस पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन बताएगा, कौन, सॉरी वेलोसिटी बताएगा, कौन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब इस चीज को और देखते हैं, अब ये जो हमने डीएक्स ओवर डीटी लिखा है इसको हम एक तरीके से और देखते हैं, इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको हम ये बोलते हैं कि हमने एक्स का डिफरेंशिएशन करा, किसके रिस्पेक्ट में करा, टी के रिस्पेक्ट में करा, तो इट इज रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। देखिए ये तो डिफरेंशिएशन वर्ड है, ये वर्ड कहां से आया, देखिए है क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, कैलकुलस की ब्रांच है, कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करा गया है, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ब्रांच जो कैलकुलस ब्रांच है ये सर इसैक न्यूटन ने दी गई है, और सर इसैक न्यूटन ने जब ये ब्रांच दी थी तो उन्होंने इस चीज को डिस्कस करा था, तभी उनको ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत पड़ी। तो होते सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बच्चों के साथ कि ये थोड़ा मैथमेटिक्स का पोर्शन है और उस मैथमेटिक्स के पोर्शन को हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ना पड़ता है पहले ही 11th क्लास में। ठीक है, तो आपको हम सब कुछ बताएंगे, इसका मैथमेटिकल बातें हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको और लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखें हम डिफरेंशिएशन को समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए हमने जैसे अभी पढ़ा था कि ये ए पे था पर्टिकुलर बॉडी, फिर कुछ टाइम बाद वो बी पे चली गई, यहां पे उसकी पोजीशन एक्स वन थी, यहां पे उसकी पोजीशन एक्स टू थी, सॉरी एक्स एफ थी, यहां एक्स आई थी, यहां टी वन थी और यहां टी टू टाइम था। ठीक है, ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो चेंज पोजीशन था उसे हमने डेल्टा एक्स बोला था और टाइम को हमने क्या बोला था, डेल्टा टी बोला था। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है जो एक बहुत बड़ा पार्ट था उस पार्ट को हमने छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ये डेल्टा टी था, जो हमारे पास ये 3 घंटे का टाइम था, इस टाइम को हमने छोटे पार्ट में तोड़ा, 1 घंटे में, 1 घंटे से 1 मिनट में, 1 मिनट से 1 सेकंड में, 1 सेकंड से आधे सेकंड में, आधे सेकंड से 0.001 सेकंड में, उसे और 0.01 सेकंड में, हम उसे ब्रेक करते रहे, बहुत छोटे टाइम में करते रहे। इसलिए यहां पर क्या हो गया, यहां डीटी आ गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एक बड़े पार्ट को बहुत छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देना, तोड़ देना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है सर, इसैक न्यूटन ने अपनी बुक में बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा रखा है, उन्होंने एक एग्जांपल लेके समझा रखा है डिफरेंशिएशन को, मैं आपको वो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे उन्होंने कह रखा है कि आप सपोज करिए कि आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, आपने उस एप्पल के अगर पीसीस कर दिए, अब वो आप पीस करके खाने लगे, ठीक है, तो आपको एप्पल का स्वाद सो आया, हाँ सर मीठा भी है थोड़ा खट्टा भी है। अब इसैक न्यूटन कहते हैं कि आप उसके बहुत छोटे छोटे पीस करें, बहुत छोटे छोटे पीस, आपको जूस ही निकालना, आपको जूस ही निकालना, आपको बहुत छोटे छोटे, बहुत माइन्यूट माइन्यूट से पीसेस करने हैं और उस हर पीस को फिर खाना है। तो जब आप उस हर पीस को खाओगे तो आपको यही पता चलेगा कि वो कहां से कड़वा था, आपको यही पता चलेगा कि वो कहां से मीठा था, आपको यही पता चलेगा कहां से वो खट्टा था। दैट मीन्स जब आपने टाइम को बहुत छोटे छोटे टाइम में ब्रेक कर दिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब उस बंदे ने ब्रेक मारी, कब एकदम वो रेस्ट में आ गया, कब उसने अपनी वेलोसिटी एकदम बढ़ा दी, ठीक है, कब उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करा। ये सब आपको कैसे बचेगा, जब आप उसको हर टाइम पे उसकी इंफॉर्मेशन गेन करोगे, और वो कहां से करोगे, आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से करोगे। तो ये मैंने आपको आज समझाया है डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इसको समझने में तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी बच्चे को 11th के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस की स्टार्ट करना है, उसको ज़रूरत है, नोट्स की ज़रूरत है, PDF की ज़रूरत है, NCERT बुक की ज़रूरत है, तो हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करने पर हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना बताएंगे बच्चों को कि किस तरह से हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इसके अंदर और वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे, जिस लिंक पे जाने के बाद आप मीन्स और नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे प्ले स्टोर पे जो ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा, हमारे फेसबुक आईडी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमें इंस्टाग्राम पे हम फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, गुड लक।